क्या बात। परमादरणीय हमारे कमल पटेल नर्मदापुरम आपकी ओर से 101 रुपए मिले, बहुत बहुत आभार। संक्षेप में थोड़ी कथा आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये महाभारत का दौर है और इसका मजा कुछ और है। एक तरफ है अर्जुन और दूसरी तरफ है बब्रुव। मतलब एक बाप है और दूसरा बेटा, लेकिन देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो ये बब्रुव और अर्जुन का युद्ध आप लोगों के समक्ष है। चंद शेर शायरी आप लोगों के मनोरंजन के लिए। इन शेर शायरियों में किसी का व्यक्तिगत नाम या संबोधन नहीं। दुश्मन भी मेरे चालाक है, दुश्मन भी मेरे करते हैं और मेरी गली से गुजरती है छुपाकर खंजर, मेरी गली से गुजरते हैं छुपाकर खंजर और सामना होने पर सलाम किया। लेकिन हमारा कहना है हम ऐसे लोगों को लाचार और कमजोर समझते हैं, और हमारा कहना है कि कमजोर कभी मैं बार नहीं करता और मारे हुए का मैं शिकार नहीं करता। सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, अरे सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर ये शेर कभी लंगूर का शिकार नहीं करता। तो देखिए
आज एक तरफ है बबरू बहन और दूसरी तरफ है अर्जुन। लेकिन जैसे ही बबरू बहन ने घोड़ा पकड़ा, आज अर्जुन कहने लगते हैं, रे कायर, तू मुझे नहीं जानता क्या? मेरा नाम सुन के अच्छे अच्छों को पसीना आता है। तेरी औकात क्या है? तो कहने लगे, समर में जब वीर आता है तो अरे सर से पसीना छूट जाता है। कितने वीर योद्धा मारे गए हैं, तेरा भी आज नंबर आ जाएगा। लेकिन बबरू बहन कम नहीं पड़ते, कहने लगते हैं कि आप जो भी हो लेकिन संग्राम में कोई किसी का सगा नहीं है। आज बबरू बहन कहने लगते हैं कि कमजोर किसी को मत समझो, सबको लड़ना आता है। कमजोर किसी को मत समझो, सबको लड़ना आता है। और सागर से सुराई टकराए तो सागर को पसीना आता है। बबरू बहन कहने लगते हैं, अरे कितना को मैंने मारा, कि कितना को मैंने मारा, जौहर मेरा दिखा के और मेरे जैसा भी कहा
बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री विनीत।